यार देखो, हमने सुना था कि असली पावर दिल में होती है, लेकिन दोस्तों पावर बैंक भी जरूरी हो जाता है भैया रिचार्जिंग के लिए। और यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 50,000 mAh का पावर बैंक था, जिसको हमने अनबॉक्स किया था, और ये लग रहा था कि यार इसके ऊपर दुनिया कहाँ ही जाएगी। बट ये एक पावर बैंक आया हमारे पास में जो कि 80,000 mAh का है, और ये कम से कम ऐसा लगता है कि 1.5-2 किलो इसके अंदर वजन है। आज आप इस वीडियो को देखते रहिए और हम इसी को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं भाई आखिर 80,000 mAh को, मतलब ये देखो 50 वाले अपने आप में आइकॉनिक चीज है, 80 वाले को जब हम पकड़ेंगे हाथ में और जिसको हम देखेंगे कि आखिर क्या क्या फीचर से लेके आता है। ज़्यादा महंगा भी नहीं, आई थिंक 3,500 के आसपास का मिल गया था हमको। तो जल्दी से आगे बढ़ते और पता लगाते हैं इस पावर बैंक में एक्चुअल में कितनी पावर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में, जहां पे बॉक्स पे जो है वो बस 80,000 ही लिखा हुआ है। और इसके अच्छी बात जो है सबसे ज्यादा वो ये है कि ये आपको दिख रहा है लोगो, ये है मेक इन इंडिया का लोगो, तो बेसिकली ये इंडिया में बनाए। और अगर हम इसको ओपन कर लें तो सबसे पहले एक यूजर गाइड, देन वी हैव ये एक USB 2 micro USB केबल है, देन हम बात करते हैं मेन प्रोडक्ट की जो की है स्टार ऑफ द शो, ये आ गया है 80,000 mAh का पावर बैंक। मतलब पावर बैंक को देखो और फिर फोन कितना पतला है और पावर बैंक कितना पतला है वो भी देखो। वैसे कहाँ से इंस्पिरेशन लेके ये 80,000 का नंबर आया ये खैर बताएंगे कॉलमेट वाले। तो गाइज ये है पावर बैंक और भाई बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, मतलब इसका वेट गाइज बहुत 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 ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की, तो नॉर्मली आपको ऐसा एक तरफ की मैट फिनिश मिल रही है, एक तरफ की आपको ऐसे ग्लॉसी फिनिश मिल रही है। पीछे यहाँ पे टॉर्च लाइट भी है जो कि आप कुछ इस तरीके से ऑन कर सकते हैं इमरजेंसी यूज़ के लिए, और आप इसको ब्राइटनेस लो पे भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश भी करवा सकते हैं और ज़्यादा फ्लैश भी करवा सकते हैं अगर आपको इसे झमाझम या तो पार्टी करनी है या हेल्प वगैरह को बुलाना है तो वो सारे काम कर पाएंगे। ऊपर हमारे पास में यहाँ पे इसके सारे IO पोर्ट्स हैं, जहाँ पे 4 आउटपुट्स हैं स्टैंडर्ड USB-A टाइप वाले, और 15 वॉट्स का ये आउटपुट प्रोवाइड करता है, 15 वॉट्स का ये इनपुट भी लेता है, तो फास्ट चार्जिंग टाइप से आपको नहीं मिलने वाली है। 3 इनपुट पोर्ट्स हैं, मजे की बात यह कि USB-C लाइटनिंग और माइक्रो USB तीनों ही केबल्स तीनों ही पोर्ट्स के थ्रू जो है वो आप इसको चार्ज कर पाएंगे, विच इज़ वेरी गुड। बट द बैड थिंग इज कि आपको USB-C पे आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट के लिए आपको स्टैंडर्ड ये जो 4 पोर्ट्स हैं यही मिलने वाले हैं, दैट्स ऑल। भाई 80,000 mAh की कैपेसिटी जो है इसकी, मतलब मेरे ख्याल से आपको ये 1-1.5 दिन कम से कम लगेगा चार्ज करने में, तो उसको मतलब लगा के आप छोड़ दो। अच्छी बात यह कि आपको सामने आप स्क्रीन पे दिखाता है परसेंटेज के हिसाब से कि भैया अभी क्या कैपेसिटी इसकी बाकी है, राइट नाउ इट्स शोइंग एट 98%। तो ये है गाइज पावर बैंक, और ऑफकोर्स अपने बैग में तो आप इसको डाल के जाना पसंद नहीं करेंगे, जेब की तो खैर देखो बात छोड़ ही दो। मेरे ख्याल से जो मेन इसका यूज़ होगा वो होगा कि अगर आपको जाना है कहीं कैंपिंग में, अगर आप जो है वो कहीं ऐसे रिमोट एरियाज में जा रहे हैं या वो जगह हैं जहाँ पे लाइट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं आती है, बिजली अगर नहीं पहुंची है, या अगर आपको कोई एक डिवाइस कनेक्ट करके छोड़ना है लॉन्ग टर्म के लिए, कई बार फोटोग्राफी वगैरह लोग करते हैं, बट खैर 80,000 खैर बहुत ज्यादा हो जाता है। बट देन अगेन एक पावर बैंक टू सॉल्व ऑल योर नीड्स उसके लिए है ये, और फोन अगर ये है और इसको अगर इसने 10-12 बार चार्ज कर दिया, और अगर ऑन एवरेज आपके फ़ोन की बैटरी चलती है 1-1.5 दिन या 2 दिन, तो समझ लो आप वीक्स तक का गुजारा इस पावर बैंक से कर सकते हो। और ये जो लाइट वगैरह है ना ये फिर एक एडेड फीचर की तरह से आती है, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है बार बार इसको ओपन करने का और देखने का कि आखिर इसके अंदर क्या वाकई में 80,000 mAh की कैपेसिटी के जो सेल्स हैं वो यूज़ किए गए हैं, या फिर पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि वजन इसका बहुत ज़्यादा होने वाला है यार। मेरे ख्याल से 1-1.5 किलो के आसपास का वजन होगा। यहाँ पे हमारे पास में जो यूज़र गाइड है, चार्जिंग टाइम 12-15 घंटे लिखा हुआ है। ना 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 भाई, नॉट पॉसिबल, आई डोंट थिंक कि इतना जल्दी चार्ज हो पाएगा, कोई चांस ही नहीं है। आउटपुट पोर्ट में लिखा हुआ है 3 USB, बट यहाँ तो 4 USB आउटपुट पोर्ट्स हैं, तो कुछ कुछ टाइपोज हैं। वेट लिखा हुआ है 1385 grams इसके ऊपर, बट आई एम नॉट श्योर इसका वेट इतना कम होगा। तो गाइज इसका जो वेट है 1651 ग्राम का है, ये 1 kg 651 ग्राम। लेट्स सी गाइज की देखते हैं कि क्या हम इसको चेक कर पाते हैं क्या। चलो गाइज लेट्स डू इट, गाइज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, बिल्कुल भी नहीं। तो खुल गया यार, हाँ जी। तो ये इसका है पैनल पीछे वाला,
मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इसको ऐसे। तो गाइस देखो यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा है ये स्क्रीन, जहाँ पे ये सामने एलईडी पे दिखा रहा है इनपुट आउटपुट क्या है और क्या चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे आई हैव सम कंसर्न्स, एंड द कंसर्न्स आर कि ये 10,000 एमएच का एक सेल यूज कर रहे हैं, बीआईएस वगैरह सब लिखा हुआ है, लेकिन द वे इट इज पैक्ड कि यहाँ पे आपको एक डबल टेप दिख रही है लगाई हुई, छोटा सा टुकड़ा है इसका, जस्ट टू गिव सम कुशनिंग आई थिंक, बिकॉज ये निकल जाएगी, दैट्स इट। तो इतनी सी डबल टेप को बस ऐसे घुसा रखा था ताकि वैसे किनारे, मतलब जो वो सेफ्टी की बात करते हैं, आई एम नॉट श्योर भाई द वे द कनेक्शंस आर बीइंग डन हियर कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सीन। ये जो टेप होती है ना अपनी सिंपल मास्किंग टेप, उससे इसको पूरा पैकेज किया हुआ है, तो ये मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि यार, और ये नॉर्मल ऊपर जो चौड़े वाली आपकी होती है ट्रांसपेरेंट टेप, उसको यूज़ किया हुआ है। एक बार इसको खोल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। तो ये सर्किट बाहर आ गया है पूरा, ऐसा जुगाड़ वाला काम किया हुआ है ना, आप देखोगे ऐसे टेप लगा रखी है, मतलब दिस इज़ हाउ इट्स बीइंग पैकेज्ड। ये टेप आपको ऐसे मिल रही है अंदर लगी हुई, इसी के पीछे आपको एलईडीज़ मिल रही हैं यहाँ पे जो ये लगी हुई हैं, बट द वे द कनेक्शन इज़ बीइंग डन, मैं आपको अगर अंदर भी दिखाऊंगा ना तो भाई द वे द सेल्स आर पैकेज्ड, तो ये केवल पीछे इस ऐसे टेप से लगा हुआ था, एंड दैट्स इट, दिस इज़ अ हॉलो पीस ऑफ प्लास्टिक, देर इज नथिंग हियर, बट हमारे पास में फिलहाल ये है। एंड अगर आप देखोगे तो जो इनका कनेक्शन हुआ हुआ है पूरा खुले में ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब कम ऑन, कैन यू सी गाइज, बेसिकली 10,000 एमएच के 8 सेल्स हैं, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 80,000 एमएच हो गया, विच इज़ गुड बिकॉज इन द पास्ट में देखा कई बार कि पावर बैंक्स में ना स्पेशली क्या ब्रांड्स पे काम नहीं करते, बट द वे इट इज डन, मतलब अगर तुम देखोगे यहाँ पे कि जिस तरीके से यहाँ पे और ये इन बस तारों को लगता है जुगाड़ से बस करके थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग लगा के और फाइनली आपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव निकाल दिया यहाँ पे और आपने सर्किट में यहाँ पे अटैच कर दिया। ये देख लो इधर ये पॉजिटिव और ये इधर ये नेगेटिव, और ये एक आपने हल्का सा बस ये डिस्प्ले वाला सीन लगाया, इसके नीचे भी आपने बस ये टुकड़ा लगाया इसका फोम का To give it some support, इसके नीचे ये देखो this is that foam का टुकड़ा, ये भी आपने टेप से चिपका दिया यहाँ पे, और ये बटन दबाएंगे दोबारा से आपको दिखाया था चालू करके, इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गया है। तो लुक्स लाइक अ कॉलेज प्रोजेक्ट टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझे वो प्रोफेशनल वाली वाइब्स नहीं आ रही हैं द वे इट इज़ डन, तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न है। एक चीज़ जो मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है जरा सा, एक बार हम थोड़ा सा इसको अंदर जाके भी देखेंगे, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो जो हैं फर्स्ट टू दे थोड़े छोटे हैं, ये थोड़े साइज में बड़े लग रहे हैं जो बाकी के छः हैं। आप देखोगे इसके ऊपर एज के ऊपर ये जो आपको येलो टेप दिख रही है वो भी केवल फर्स्ट टू में है, बाकी में किसी में नहीं है। इधर से भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टू अलग हैं बाकी अलग है। तो एक बार खोल के देखते हैं कि जो नीचे वाले सेल्स हैं उनका क्या सीन है, बिकॉज वेन इन डाउट तो चेक तो करना बनता ही है। ओहो हो, अंदर तक ग्लू लगा रखा है पूरा का पूरा। दीज आर डिफरेंट सेल्स हैं, ये भी 10,000 एमएच के ही, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इट इज 10,000 एमएच, बट दीज आर डिफरेंट सेल्स, और इसको फिर बाद में ऐसे चिपका दिया इन लोगों ने, तो शायद कुछ मैन्युफैक्चरिंग का सीन होगा या सप्लायर्स अलग अलग होंगे, बट वाई इसका रीज़न तो खैर नहीं पता, बट देर अगेन हमको क्या फ़र्क पड़ता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। तो गाइज ये है कॉलमेट का, आंखें चुंधियाने वाली रोशनी है इन लाइट्स में, तो ये है 80,000 एमएच का पावर बैंक। आई मीन लैपटॉप को चार्ज नहीं कर पाएगा ये वाला पावर बैंक ऑफकोर्स, बिकॉज आउटपुट जो है वो लिमिटेड है, बट टैबलेट वगैरह को चार्ज कर सकता है, मोबाइल फोन्स को, या कई बार लैंप वगैरह होता है या कोई और टाइप के डिवाइसेज होते हैं जहाँ पे आपको यूएसबी से पावर देनी होती है, तो उन सब डिवाइसेज के लिए इट इज़ गुड इनफ फॉर अ लॉन्ग 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 ड्यूरेशन बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी। बट फ्लाइट्स में आप ऑफकोर्स इसको लेके नहीं जा सकते बिकॉज इट इज़ वे बियॉन्ड द यू नो अलाउड कैपेसिटी, तो वो तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी, आप उसको लेके फ्लाइट में चले जाएँ। दूसरी बात, केयरफुल रहना पड़ेगा इसके साथ बिकॉज द वे इट इज मेड आई हैव सम डाउट्स, तो एकदम संभाल के ऐसे रख के और तभी आप इसको यूज करें। बाकी 3,500 रुपए का अगर आपको एक कैपेसिटी वाला पावर बैंक मिल रहा है, ऑल्दो 1600 ग्राम का है, तो भैया संभाल के रखना, दैट्स इट।
आप बताओ वैसे वीडियो कैसा लगा, और क्या आप ये वाला पावर बैंक लोगे या आप ऐसा एक 50,000 mAh का पावर बैंक लोगे जहाँ पे सी से आउटपुट इनपुट भी है, या फिर आप ट्रेडिशनल जो मिलते हैं मार्केट में 10,000-20,000 mAh वाले वो लोगे। आई मीन आप किस कैटेगरी में आते हो नीचे कमेंट करते हो मुझे ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।